हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब तक हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वर्ड लाइन तक कुछ समझा है। वर्ड लाइन क्या है और किस तरह से ये वर्ड लाइन काम करती है, इसके बारे में अपन ने जानकारी की थी। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे। फोर वैक्टर सेंटेंसेज इन इन्फोस की स्पेस, वेक्टर एंड टेंसर इन मिनकोवस्की स्पेस। फोर वेक्टर्स एंड टेंसर्स, फोर वेक्टर्स एंड टेंसर्स। टेंसर अलजेब्रा में हमने बहुत अच्छे से वेक्टर्स और टेंसर के बारे में समझा है अर्लियर क्लास में। वहां इसको डिफरेंशियल फॉर्म्स के डिफरेंशियल के यूज से हमने वेक्टर और टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा है और उसको आगे भी कुछ करेंगे। तो ये जो टेंसोरियल क्वांटिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम बनाती है, हमें फ्रेम के इंडिपेंडेंट ले जाती है। अब जैसे यहां हम यूक्लिडियन स्पेस में क्या करते हैं, दो बिंदु है जिसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 और x2, y2, z2 कह देते हैं, या x डैश y डैश z डैश इस तरह से हम कह देते हैं। तो जैसे ये p एंड p डैश दो पॉइंट्स हैं यूक्लिडियन स्पेस में। यूक्लिडियन स्पेस में ये दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट x, y एंड z, x dash, y dash and z dash है। तो naturally pp dash vector जो है वो vector क्या होगा, is a combination of x minus x dash, y minus y dash and z minus z dash, ये vector हो जाएगा pp dash Euclidean space में। तो इस Euclidean space में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होंगे, सो एक्स सॉरी एक्स एक्स आर एक्स बार आई सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बार वाला है, एक्स बार आई माइनस एक्स डैश बार आई इस कैन बी ये ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है आई एल इज इक्वल टू वन टू थ्री। तीन ही है, तीन पॉइंट है, तीन कोऑर्डिनेट है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस है, इसलिए ये आएगा एल इज इक्वल टू वन टू थ्री ए आई एल एक्स आई माइनस एक्स डैश आई मीन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ E, I is taking 1, 2, 3, so whatever it may be, L is equal to 1, and this plus AI 2, and second plus AI 3, and this one. I की वैल्यू 1, 2, 3 डालते जाएंगे, और L की वैल्यू 1, 2, 3 आती जाएगी, L, so, X, L, L की वैल्यू डालते जाएंगे. L की वैल्यू बदलते जाइए, 1 माइनस एक्स वन माइनस एक्स डैश वन, वही एक्स एक्स वाई जेड की जगह एक्स एक्स वन और वाई एक्स डैश वन कर दिया, यानी दिस इज एक्स वन डैश, दिस इज एक्स टू डैश एंड दिस इज एक्स थ्री डैश, दिस इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह से कर दिया हमने, एक्स वाई जेड को बदल दिया।
तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे यूक्लिडियन स्पेस में। तो ये यूक्लिडियन स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसी को एक वेक्टर लिया जाए, इस वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन मैं इन जनरल ऐसा कर सकता हूं, ए बार आई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू थ्री ए आई एल एन ए एल। यानी वेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यूक्लिडियन स्पेस में। अब यही यूक्लिडियन स्पेस को हम फोर डायमेंशनल में ले जाना चाहेंगे, पहले वेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी टेंसर की बात ही नहीं की मैंने, वेक्टर की बात कर रहे हैं, और ज्यादातर हमारा काम अभी वेक्टर फोर वेक्टर्स की बात करेंगे, तो फोर वेक्टर से ही हो जाएगा, टेंसोरियल टर्म में ले जाना होगा जब हम उस पर भी विचार करेंगे। तो ये हो गया ए बार आई इज इक्वल टू दिस वन, इसी का वेक्टोरियल फॉर्म को एक्स दिस इज, ये समझ रहे हैं कि ये ए बार आई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर जो है ए आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये टर्म है, सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूक्लिडियन के हिसाब से हम करते हैं। अब यही सारी चीज अगर फोर डायमेंशनल स्पेस में ले जाए तो वहां स्पेशल कोऑर्डिनेट के साथ साथ टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। स्पेशल कोऑर्डिनेट का मतलब जो फिजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स हैं थ्री डायमेंशनल में, एक्स वाई जेड या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और फोर डायमेंशनल अगर हम टेम्पोरल वाला जोड़े तो टा और कह देते हैं, जिसको प्रॉपर टाइम हम बाद में कहेंगे, तो टाइम वाला कोऑर्डिनेट और जोड़ दें, तो वो पॉइंट की जगह अब हम इवेंट का यूज करते हैं, पॉइंट की जगह तो उस केस में इसी सारे को फोर डायमेंशनल स्पेस में, यानी मैं को उसकी स्पेस में ट्रांसफॉर्म करें, तो वहां इवेंट्स ये हो जाएंगी एक्स वन एक्स डैस वन एक्स टू माइनस एक्स कंपोनेंट्स लिख रहा हूं एक्स थ्री माइनस एक्स डैस थ्री इन एक्स फोर माइनस एक्स डैस फोर, ये मिनकोस की स्पेस में किसी इवेंट के कंपोनेंट है, किसी इवेंट यानी एक पी पॉइंट पर इवेंट हो रही है, एक पी डैस पॉइंट पर इवेंट है, पी और पी डैस पॉइंट पर जो इवेंट्स हैं, पी पे पॉइंट इवेंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, और P डैश पर है X1 डैश X2 डैश X3 डैश X4 डैश, डैश पहले लिख लें या वन और डैश लिख लें, टू और डैश लिख लें ज्यादा ठीक रहेगा, थ्री एंड डैश लिख लें और फोर एंड डैश लिख लें, सेकंड कोऑर्डिनेट का डिवीजन हो जाए। तो P और P डैश जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स ज्वाइन होंगे पी पी डैश इन द सेम मैनर, PP' is a vector in Minkowski space, तो ये किस तरह से होंगे, जैसा Euclidean space में हुआ उसी तरह से x1 xi minus x dash i transformation, transformation किस तरह से होगा, that is l is equal to 1 to 4, now it is 4, fourth coordinate is also added to this one and at that in that way हमने इसको event कहा है, coordinate नहीं कहा, तो event के हिसाब से ये आ जाएगा A I L, ये Lorentzian transformation की matrix है पूरी की पूरी, x x I my x L minus x dash एक्स एल डैश ऐसा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट्स का मिनकोवस्की स्पेस में हो जाएगा, और इस आधार पर अगर हम ए बार अगर इसको वेक्टर कहें फॉर मिनकोवस्की स्पेस में वेक्टर कहें, तो ए बार आई कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू वन टू फोर
एंड ए आई एल एंड ए एल, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से कोवेरिएंट की बात भी हम करते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर और टेंसर की बात भी करते हैं। तो इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करें तो हम कहते हैं कि ये टेंसोरियल क्वांटिटीज है, दिस टेंसोरियल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद दिस टेंसोरियल क्वांटिटी इन फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, इफ देयरफॉर होल्ड दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, जो कि यहां हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड होते हुए दिखता है। तो ये वेक्टर है, और अगर टेंसोरियल टर्म में इसके टेंसोरियल कंपोनेंट लिखने हैं तो ए बार आई जे इज इक्वल टू समेशन, बाद में हम टेंसर में जब काम में लेते हैं तो टेंसोरियल कंपोनेंट के हिसाब से इस समेशन कन्वेंशन का यूज करके हम उसको भी छोड़ देते हैं, ए आई एल ए आई एम और ए एल एम, इस तरह से कंट्रावेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखते हैं, इसी तरह से कोवेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखते हैं। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद अगर हम इन सब को टेंसोरियल फॉर्म में रख दें तो एग्जांपल ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर और टेंसर का जो ये है डी एक्स आई ओवर डी एस, जो वर्ड लाइन है उसके आधार पर डी एक्स आई आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 3, 4 डी एक्स आई अपॉन डी एस वेर इज द वर्ड लाइन ऑफ पार्टिकल, ये वर्ड एक्स आई वर्ड लाइन ऑफ पार्टिकल का अपन ने बताया फंक्शन ऑफ एस, तो डी एक्स आई ओवर डी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डिफरेंशियल को, वर्ड लाइन ऑफ पार्टिकल वेक्टर क्वांटिटी, ये डी एक्स आई ओवर डी एस वैक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एस इसमें स्केलर है और डी एक्स आई इज फोर वैक्टर, ये तो स्केलर है एंड ये फोर वैक्टर है, तो कुल मिला के ये वैक्टोरियल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब ये वैक्टोरियल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है फोर वैक्टर टॉप प्रॉपर टाइम हो तो डी एक्स फोर अपॉन डी एक्स आई ओवर डी एस, अगर प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर टाइम के बारे में मैंने पहले ही बताया कि टा इज ए प्रॉपर टाइम, बटरफ्लाई के एग्जांपल से अपन ने कई बात की थी कि अगर प्लेन पे कोई ऑब्जर्वर बैठा और वो प्लेन की वेलोसिटी वगैरह के जो भी मेजरमेंट कर रहा है तो वो मेजरमेंट उसका प्रॉपर मेजरमेंट होगा, प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर टाइम मेजरमेंट होगा, अगर हम यहां बैठ के उसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो रिलेटिव मेजरमेंट की बात आएगी कहीं, तो ये डी एक्स आई ओवर डी टा ये फोर वेक्टर्स, ये चार वेक्टर्स हैं, इसमें से तीन वेलोसिटी फोर वेक्टर्स, इनको वेलोसिटी फोर वेक्टर्स कहेंगे ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर डी एक्स फोर ओवर डी टा माइनस डी एक्स वन ओवर डी टॉप होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर डी एक्स दिस माइनस डी एक्स टू, हाँ मैं माइनस में लिख रहा हूं इसलिए डॉट टॉप माइनस डी एक्स थ्री ओवर डी टॉप, टॉ इज प्रॉपर टाइम, ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज नथिंग बट डी एस ओवर डी टॉ होल स्क्वायर, डी एस ओवर डी टॉ, डी एस इसके लग है टॉ प्रॉपर टाइम है होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इस तरह से वेलोसिटी को लिखा जा सकता है एंड ये वेलोसिटी ये तीनों मिला के यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर और सी स्क्वायर ये स्क्वायर किया था अपने डी एक्स इस वेक्टर के स्क्वायर के रूप में हमने ये लिखा है, तो ये आ गया, वी डिनोट द वेलोसिटी वेक्टर बाय यू आई, यानी वेलोसिटी वेक्टर को हम
यू फोर वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो एक यू आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें से यू अल्फा एंड यू फोर, अल्फा इज वेरी फ्रॉम 1 to 3, ये तो स्पेशल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये टेम्परल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, यानी वेलोसिटी वेक्टर के चार कंपोनेंट हो गए। द मोमेंटम फोर वेक्टर, तो मोमेंटम फोर वेक्टर क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम यू आई, एम आई यू आई, एम एम जीरो, एम जीरो सॉरी नॉट एट एम जीरो कॉन्स्टेंट मास, तो पी आई इज इक्वल टू फोर मोमेंटम इज रिटन बाई दिस, एंड फोर मोमेंटम को अगर इस तरह से लिखें द स्पेशल कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम, तो एम एल्फा स्पेशल कंपोनेंट, स्पेशल कंपोनेंट ऑफ, यानी पी अल्फा, अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 3, पी अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा यू अल्फा, अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम 1 to एम जीरो, सॉरी एम अल्फा एम टू एडिटिव रहेगा, एम जीरो मास एट मास असेस्ड, पी अल्फा इज इक्वल टू एम जीरो यू अल्फा, यू अल्फा इज वेरी डी एक्स अल्फा डी एक्स वन ओवर डी टॉ, डी एक्स वन डी एक्स टू अपॉन डी टॉ, डी एक्स थ्री अपॉन डी टॉ, और इसको मैं लिख सकता हूं यू अल्फा की जगह डी एक्स अल्फा और डी टॉ, नाउ डी एक्स अल्फा अपॉन डी टॉ, ये इसको क्योंकि ये फंक्शन एक्स अल्फा का ही है, तो इस और ये फोर्थ वेक्टर का है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी एक्स अल्फा अपॉन डी एक्स फोर एंड डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ, ब्रेक किया जा सकता है। अब डी एक्स अल्फा अपॉन डी एक्स फोर और डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ, यहां से डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ की वैल्यू निकालें तो ये आएगा डी एक्स फोर अपॉन सी स्क्वायर का थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू ये यू स्क्वायर है तो 1 - u² अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर, तो 1 - u² अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा डी टॉ अपॉन डी नहीं वन अपॉन इनवर्स क्योंकि नीचे चला जाएगा डी ए, सो यहां से दिस इंप्लाइज डी टॉ अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू 1 अपॉन हाँ डी टॉ अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू 1 - हाँ इसका इनवर्स आ जाएगा 1 - यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, डी टॉ डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ, सो दिस इज एम जीरो अपॉन डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू दिस 1 - यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ है, इनवर्स स्क्वायर रूट आएगा तो क्योंकि वहां स्क्वायर था, डी टॉ अपॉन स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहां से डी टॉ अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट में चला जाएगा एंड डी एक्स अल्फा आवर डी एक्स फोर एंड डी एक्स अल्फा इज नथिंग बट डी एक्स फोर नथिंग बट यू अल्फा, वेलोसिटी फॉर थ्री वैक्टर, वेलोसिटी थ्री वैक्टर के कॉम्बिनेशन से ये आ जाएगा एम यू, दिस इज नथिंग बट एम यू एम जीरो अपॉन 1 - यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मास का वेरिएशन होता है तो मास के वेरिएशन के आधार पे एम यू आ गया, सो पी अल्फा इज इक्वल टू दिस वन एम यू, तो यहां से ये जो वेलोसिटी है एम यू पी पी अल्फा इज इक्वल टू पी हो गया एम यू थ्री वेक्टर, तो ये हो गए। और फोर्थ वन,
फोर्थ वन के लिए डी पी अल्फा फोर्थ वन एम जीरो पी फोर फोर्थ मोमेंटम इज इक्वल टू एम जीरो यू फोर एंड एम जीरो यू फोर इज नथिंग बट डी एक्स फोर ओवर डी एस डी एक्स फोर अपॉन डी टॉप डी टॉप एंड डी एक्स फोर अपॉन डी टॉप इज इक्वल टू दिस वन सो दिस इज एम जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस्ट टू पावर स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि डी एक्स फोर का स्क्वायर में थे वो सब ये तो एम जीरो सो दिस इज एम एंड विद दिस रिजल्ट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एम कैन बी रिटन एज ई बाई सी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर सो फोर मोमेंटम आर दस फ्रॉम दिस एनालिसिस फोर मोमेंटम आर पी P, P and E by C square. Or these are all constant. So in general we can say PI is constant. PI is constant are the four momentum, four momentum, four particle in Minkowski space. Thank you to all.